चापे दी प्लेटा, रेडिएटर दी प्लेटा, लंबी लंबी जी चुटियां बनी हुई है हमारी सारी की सारी यहाँ पे वायरिंग की। ऑर्डर कोड करवाया तमाम सिंधी भैन भरावों के लिए स्पेशल अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक दफा पोहे टीम फोर के गीत तरफ सा था वाजी खिदमत में हाजिर आयो उस्ताद जी। वादू मुश्किल है सिंधी जबान मुझे भी कन्फर्म, पता मैं कोई लफ्ज़ अगे पीछे कर दिया होना या फिर जो मेरा एक्सेंट है वो बिल्कुल भी ऑन पॉइंट नहीं होना, लेकिन ये थोड़े बहुत ही खैर है। और आज की वीडियो के अंदर हमने एक इंसान की तलाश में अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करना है। आज की जो हमारी स्टोरी है वो सेम फाइंडिंग नीमो जैसी है, मुझे कन्फर्म पता है। मुझे तकरीबन सारे लोगों ने फाइंडिंग नीमो देखी ही होनी है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी उनको जरा मैं एक स्टोरी का शॉर्ट खुलासा दे दूं कि मूवी के अंदर होता क्या है कि एक गोल्डफिश होती है, उसका जी बच्चा गवा जाता है और पूरी मूवी के अंदर वो अपना बच्चा लपता फिरता है और आखिरकार मूवी के एंड पे जाकर उसको अपना बच्चा लग जाता है और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हमारी स्टोरी के अंदर गोल्डफिश मैं हूं और जी मेरा इलेक्ट्रिशियन गवा गया और आज हमने सारा दिन इधर उधर खज्जर खुआरी करनी है इलेक्ट्रिशियन की तलाश के अंदर। अब हमें इलेक्ट्रिशियन की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों दरकार है, क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट जनाजे की वायरिंग है उसकी मदर सिस्टर 1122 ईवी है। हमारे प्रोजेक्ट जनाजे के अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए हुए। सबसे पहला फीचर ये है कि जैसे ही आप गाड़ी के अंदर हाई बीम ऑन करते हैं आपकी गाड़ी के अंदर ही स्मोक किटें चल जाती हैं। स्मोक किटों का मतलब जी डैशबोर्ड के पीछे आग लग जाती है। और इस फीचर के बारे में हमें पता कब चला, जब लाला जी मेरे फ्रेंड ने गाड़ी के अंदर नवा इंजन डाला था 7F6 स्पीड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन। इंजन डालने के बाद लाला जी ने कहा कि जाओ हाजी साहब जरा ट्राई मार के आओ गाड़ी की। अब मैंने लाला जी मैं फ्रेंड को कहा कि लाला जी आए जरा टेस्ट रन लेके आते हैं गाड़ी का, तो लाला जी कहते मैंने तो नहीं जाना इसके अंदर, सामने टायर पे खड़े थे। मैंने टायर पे को कहा कि आप आ जाए, टायर पे कहते मैंने भी नहीं जाना इसके अंदर। अब जी पीछे मैं सोची पै गया कि हाजी साहब यहाँ पे तो आपको कल्ला मरना पड़ जाएगा, ये तो काम बहुत खराब है। तो सामने हमारे फ्रेंड शहरी किंग फ्रॉम 4K के राज खड़े थे। मैं कहा उस्ताद जी तू की खड़ा अंब ले रहा है, तू साथ आ जा। शहरी को मैंने गाड़ी के बीच में बैठाया और मेन रोड पर जाके आपके प्रयाण जी फूटा वैसी किस्म का लॉन्च मारा। पहले गियर के अंदर गाड़ी यहाँ से यहाँ आई है, दूसरे गियर के अंदर गाड़ी यहाँ से यहाँ आई है और तीसरे गियर के अंदर गाड़ी यहाँ से यहाँ आई है। आगे आया इशारा, इशारा से हमने लिया था यूटर्न। यूटर्न पे जाके हमने गाड़ी खड़ी की है और हमारे डैशबोर्ड के पीछे से स्मोक किटें चल गई। पूरी गाड़ी के अंदर इतना ज्यादा धुआं हो गया था कि ऐसे देख के लग रहा था जैसे गाड़ी के अंदर 10 बंदे बैठ के एक साथ शीशा पी रहे हैं। मैंने उसी वक्त शहरी किंग को आवाज मारी कि जाके बैटरी के टर्मिनल उतार और मैंने खुद डैशबोर्ड नीचे से हाथ मारा। जो जो सी तारे मेरे हाथ में आई इस पकड़ के मैं नीचे खींच दी गाड़ी वापस खान खिलू लेकिन टायर बैग को जाके गाड़ी की डीए करवाई है वायरिंग की। तो हमें इस बात के बारे में पता चला कि गाड़ी की जो हाई बीम है वो शॉर्ट है और कहीं बाहर से शॉर्ट नहीं है, डैशबोर्ड के पीछे से करके कहीं से शॉर्ट है और उसको सही करने के लिए पूरे का पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा और बड़ी ही खज्जर खुआरी वाला काम है। तो उस वक्त हमने उस बात को इग्नोर किया, हमने सिर्फ हाई बीम काट दी बीच में से। अब 4K गैराज के ऊपर गाड़ी का काम शाम हो रहा, थोड़े बहुत ही नोट शोट्स भी आ गए हमारे पास। तो मैंने शहरी को कहा कि जरा किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के इसकी वायरिंग शायरिंग सेट करवा देते हैं। अब जो भी इलेक्ट्रिशियन बुलवाते हैं उसको हम कहते हैं कि तूने इंजन की वायरिंग करनी है और डैशबोर्ड के पीछे वाली वायरिंग करनी है। जब वो इंजन की वायरिंग देखते ना, इंजन तो हमारा वैसे ही क्लियर है, सिर्फ ऑटोमेटिक की वायरिंग लगी हुई जो हमने हल्की सी काटनी है। इंजन देख के जी वो बड़ा खुश होता, कहता है जी ओके मसला ही कोई नहीं, लेकिन जब वो डैशबोर्ड के नीचे झांकी मारते ना तब उसका जी सारा दिन मान खराब हो जाता और जो एक बार वायरिंग देख के जाता है ना वो वापस लौट के नहीं आता। तो आज का जो पूरा दिन है वो हम इलेक्ट्रिशियन की तलाश में अपना जर्फ कर देंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के जी अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं और अपने प्रोजेक्ट जनाजे के लिए कोई इलेक्ट्रिशियन लाभ के लाते हैं। मौसम की सूरत हाल पे हैं तो यहाँ पे बड़ा ही टूटी फ्रूटी मौसम है, कभी धूप आती है कभी धूप जाती है और जी धूप के अंदर फिर आपके भरा की बांह काली हो गई है, आपके भरा के जी पांव काले हो गए हैं और जी बेशक आपका भरा खुद टूटी चप्पल पहन के फिरता हो लेकिन अपनी गाड़ियों के लिए आपका भरा हमेशा फ्रेश नवी जूतियां लेके आता है। जूतियां बोले तो फ्रेश नवे रिम्स फॉर यू और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोजेक्ट जनाजे के लिए भी नवे रिम्स खरीद लिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जाके हम गाड़ी को लगवा लेंगे। उसके अलावा 18 तारीख को इस्लामाबाद में एक HCC नाम का शो आ रहा है तो हम सारे वहाँ पे आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, शेरी किंग आ रहा है, साहब हमारा क्यूट बट आ रहा है, जमाना जाली आ रहा है और बाकी भी सारा का सारा स्क्वाड आ रहा है। तो आप लोग भी वहाँ पे आए मिलकर भाई साहब शुगल मुगल लगाएंगे, थोड़ा माहौल बनाएंगे। तो आइए बगैर किसी देर के जी अब्बा जी कैचरे के विच होते हैं और 16 के विच और चिल्ले सी के साथ अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। सबसे पहले शुष्का टाइम फॉर यू, फ्रेश पुस्टर्ड फॉर यू। हल्की हल्की खुशी है, पेट्रोल फिर भी पाना पै जाना सानू 1010 रुपए का फ्रेश। उसके अलावा जी फ्रेश चिल आईसी फॉर यू और ये आपके ने जी अपना नाश्ता साथ रख लिया फ्रेश ओरियो फॉर यू, क्योंकि जी आज आपका भाई थोड़ा जल्दी उठ गया। जल्दी कितने बजे उठाऊ मैं, तो तकरीबन 12 बजे में उठ गया, ये मेरे लिए जल्दी ही होता है। तो आइए बगैर किसी देरी के जी अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं और अपने प्रोजेक्ट जनाजे के लिए इलेक्ट्रिशियन लाभ के लाते हैं और हम 4K गैराज की धरती के ऊपर मौजूद हैं। अब इससे पहले कि मैं गाड़ी से नीचे उतरूं मैं जरा एक बार मोस्पेल के अंदर नहा लूं, क्योंकि ये यहाँ के मच्छर बहुत जालिम किस्म के हैं, वो जी वट वट के जो थोड़ा बहुत खून है ना मेरे अंदर वो भी सारा का सारा निकाल देते हैं। तो जी मैं जरा फ्रेश नहा नहीं करता मोस्पेल के साथ, उसके बाद मैं नीचे उतर के आपको तमाम गाड़ियों का गेड़ा करवाता हूँ। आपके पुराने जी यहाँ पे हैवी शेवी गोते शोते मारे मॉस्पेल के अंदर और अब मैं मच्छरों के शर से पाक साफ हो गया हूँ और आज इतनी भी गाड़ियाँ आई हुई हैं तमाम की तमाम खोता लाइफ स्टाइल इन्जॉय कर रही हैं। सबसे पहले आप शेरी किंग की 2G देख लें तो ये भी खोता लाइफ स्टाइल इन्जॉय कर रही हैं, ये चेक करें जी फुल
होता लाइफ स्टाइल फॉर यू। उसके बाद हम इस जनाजा प्रो मैक्स स्लाइड के ऊपर आए हैं, तो ये भी भाई साहब फुल टाइम डोंक लाइफ स्टाइल इंजॉय कर रहे हैं, बैक से थले और आगे से फुल टाइम खोता लाइफ स्टाइल है। उसके बाद अबाजी कैचर भी के ऊपर आए, तो ये भी जेनवन खोता लाइफ स्टाइल पे आती है। लेकिन आज जो हमारी मजबूरी जी है, जो कि आपको पहले फुल टाइम जमीन के सारे रेड़ियां खाते में नजर आ रही थी, ये भी आज खोता लाइफ स्टाइल इंजॉय करें। ये चेक करें जी, इसको सारी की सारी स्टॉक सस्पेंशन लगा दी है, और ये देखो जी इन्ना ज्यादा वाया फॉर यू। ये देखो जी इतने भी इन्ना ज्यादा फुल खोता लाइफ स्टाइल फॉर यू। अब मैंने आपको काफी बार बताया होगा कि जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या नुकसान उसके होते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो नुकसान दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जी पार्टी फेंडर दी पुटीन फॉर यू। जब आप गाड़ी लो करके चलाते हैं तो आपका मोड़ शोर काटने में या फिर जम जुम जब बचता है आपका, या तो टायर जाके फेंडर को लगता है या फिर आपकी जो रिम की किनारी होती है वो जाके बचती है, जिसकी वजह से आपकी जो फेंडर की पुटीन स्ट्रेन होती है वो भी सारी पार पूरी जाती है, और टायर रगड़ने के पैसे जो पेंट शेंट होता है वो सारा साफ उतर जाता है, जिसके ऊपर जब पानी पानी लगता है तो वहाँ पर जंग जुंग लग जाता है। उसके बाद आप गाड़ी के थले हैं, तो गाड़ी के थले आप चेक करेंगे जी रगड़ेंगे, आपको बहुत सारे निशान जरा आ रहे होते हैं, तो सेम वही हिसाब है जो फेंडर वाला था कि जब आपकी गाड़ी नीचे से रगड़ती है तो आपकी जो कोटिंग शोटिंग होती है, जो पेंट शेंट होता है, जो आपने लुक शुक लगाई होती है, वो सारी की सारी उतर जाती है, और फिर जब आपकी गाड़ी पानी में से गुजरती है तो जहाँ जहाँ से बेयर मैटर होता है वहाँ पर सारा का सारा जंग लग जाता है। उसके अलावा और नुकसान के ऊपर आए, तो जब आप स्पीड ब्रेकर से अपनी गाड़ी टपाते हैं तो आपका जो पूरे का पूरा फर्श होता है वो नीचे छिलता है, और जब वो छिलता है ना तो इस तरह करके जी भींगा छिंगा हो जाता है। तो ये होते हैं जी नुकसान गाड़ी लो चलाने के। तो अब जरा हम आते हैं अपने फ्रेश प्रोजेक्ट जनाजे के ऊपर, तो प्रोजेक्ट जनाजा आप यहाँ पे चेक करते हैं, हल्की आंच भी यहाँ पे लश्पा चमक रहा आधा, क्योंकि इसको बैक से जी फ्रेश टाकी शाकी मरवाई है। इंटीरियर का जितना भी फिटिंग शिटिंग वाला काम था वो तकरीबन सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। इंटीरियर के अंदर सिर्फ इसके बैक सीट रहेगी और सामने डोर कार्ड लगने वाले हैं, बाकी जितना भी काम शाम था वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इंजन की वायरिंग का गेड़ा करवाऊं, सबसे पहले तो हमारी इंजन की वायरिंग का आप चेक करते हैं, यहाँ पर जी बाबा सारा गांछा है, लेकिन जो हमारा इंजन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी किस्म की मिसिंग वगैरह नहीं, भागता भी सही है और रुकता भी सही है बिल्कुल। मसला क्या है सिर्फ इंजन की वायरिंग का, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वायरिंग लगी हुई, इसकी बाबा सारी एक्स्ट्रा तारें हैं, जिसकी वजह से काफी सारा गंद मचा हुआ है। इंजन की वायरिंग के अंदर हमने सिर्फ एक्स्ट्रा वायर्स कटवानी है, लेकिन असली जो मसला है ना वो हमारे डैशबोर्ड के नीचे वाली वायरिंग का है, वो जी फुल टाइम गुच्छी मुच्छी हुई भी है मलिंगा के बालों की तरह, उसका आपको गेड़ा करवाऊं। तो ये चेक करें जी लंबी लंबी जी चुटियां बनी हुई है हमारी सारी की सारी यहाँ पे वायरिंग की, और ये वायरिंग पुरानी होने की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, अगर आप इसको इस तरह ऐसा करके हल्का सा खींचेंगे ना तो इसने पैसा टूट जाना। ये जी फुल टाइम कमजोर हो गई है बिल्कुल हमारे शेरिंग के गोटों की तरह। ये चेक करें जी इधर देख के ऐसा लग रहा है जैसे हमारी वायरिंग को जी यहाँ पे जुएं छुएं पड़ गई है। मतलब कहने का मकसद मेन यही है कि हमारी वायरिंग के जो हालात हैं वो जी वाई माड़े किस्म के हैं, और इस वायरिंग को सीधा पतरा करने के लिए पूरे का पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा मेरे हिसाब से, उसको खोलने बगैर इसकी सेटिंग नहीं की जा सकती। तो हमने एक इलेक्ट्रिशियन से बात की, उससे हमने कहा उसका जी तुम्हें खुद आदत वास्ते साड़ी गड्डी जी निके निके बचे ने आके सेटिंग कर दो, तो उसने हमें कहा कि इंशाल्लाह वो 2 बजे के बाद आएगा और हमारी गाड़ी जो सेटिंग होने वाली सारी वायरिंग की वो सारी सारी कर देगा। अब उम्मीद करते हैं वो आके बस सेटिंग कर दे, बाकी उतना भाग भूख ना जाए, फरार ना हो जाए मौके पर दास से। अब जितनी देर हमारा इलेक्ट्रिशियन आ रहा है उतनी देर हमने एक और काम करना है, और काम क्या करना है, तो हमने प्रोजेक्ट जनाजे का इंजन का जो टापा है ये हमने उतारना, और उसके साथ उसका स्टड बार है ये हमने उतारना। क्यों उतारना है? क्योंकि हमने इन दोनों चीजों को जी मैट ब्लैक स्प्रे करना है, क्योंकि आपके सामने ये पूरे का पूरा जो हमारा इंजन बे है वो जी यहाँ पे फुल टाइम लशपश है, लेकिन जो हमारा टापा है और जो हमारा स्टड बार है ये जी बिल्कुल भी चस नहीं कर रहा। हमारा जो टापा है ये जी 1947 का लग रहा है, उसके अलावा ये जो हमारा स्टड बार है इसको यहाँ पे जी फुल टाइम फुल वैली शुरू वैली हुई है, आप चेक करते हैं बीच में रंग संग सारा का सारा उड़ा हुआ है। तो दोनों चीजों के लिए हम फ्रेश मैट ब्लैक स्प्रे मंगवा रहे हैं, दोनों चीजों को हम पेंट शेंट करेंगे, और उम्मीद करते हैं जितनी देर हम इन दोनों चीजों को पेंट शेंट कर रहे हैं उतनी देर में हमारा इलेक्ट्रिशियन भी आ जाए और हमारे प्रोजेक्ट जनाजे की जो वायरिंग शेयरिंग है वो सेट मैट कर दे। अब जितनी देर ये दोनों चीजें हो रही हैं बैकग्राउंड के अंदर, मैं आपको जाकर जी शेयरिंग की न्यू वैरायटी दिखा दो, उसने बड़े भाई साहब चस वाली चीज मंगवाई है एक, तो उसका जाकर जी मैं आपको फ्रेश गेड़ा करवाता हूं। अब शेयरिंग ने अपने 2cc के लिए क्या चीजें बनवाई हैं, तो सबसे पहले आप चेक करते हैं यहां पे आपको नजर आती है जी कॉइल प्लेट, और यहाँ पे आपको नजर आती है जी कूलिंग प्लेट। आसान भाषा में बताऊं तो जी टापे दियां प्लेटा ते थे रेडिएटर दी प्लेटा। अब ये वाली जो है कॉइल प्लेट ये सिर्फ शोशा के लिए, लेकिन जो ये है ना ये आपके रेडिएटर को जी ठंडा ठंडा कूल कूल रखती है। अब कैसे ठंडा ठंडा कूल कूल रखती है, तो आपको जरा दोनों चीजें शेरकिंग के 2G के ऊपर आके दिखाते हैं, और उसके बाद फिर आपको हम इनका काम बताते हैं। दोनों चीजों की फिटिंग शिटिंग कर दी है, सबसे पहले आपको जरा मैं कॉइल प्लेट का गेड़ा करवाऊं, तो ये आप चेक करते हैं ये किसके लिए होता है, तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए होती है। ये करती क्या है, तो आपकी जो कॉइलें होती हैं उनको छुपाती है, उनकी जो वायरिंग शायरिंग का गंद मंदा ये आप चेक कर सकते हैं, सारे सारे वो छुपाती है। इसके ऊपर हमने कस्टम क्या लोगो बनवाया, तो सबसे पहले जी हमने टीम फोर के का लोगो बनवाया, और सामने जी हमने यामाहा लिखवाया हुआ है, क्योंकि 2cc है। ये कौन सा इंजन है, कोलैबोरेशन की थी उन्होंने। उसके बाद हम आए थे जरा इस कूलिंग प्लेट के ऊपर, तो ये सिर्फ शोशा के लिए नहीं है, ये आपके रेडिएटर को जी ठंडा ठंडा कूल कूल भी रखती है। कैसे रखती है, तो शेयरिंग हमें बताएंगे। इसमें ये होता है कि ठंडी हवा जो सीधी अगर ये ना लगी हो तो ये इधर से एस्केप करती है, अगर ये लगी हो तो ये ठंडी हवा इधर से जो आती है वो रेडिएटर को डायरेक्ट ही जाती है, काफ़ी हद तक हवा जो एस्केप करी होती है वो डायरेक्ट रेडिएटर में जाती है।
आसान भाषा में बताऊं तो जब नींद ना लगी होती है हवाएं में जाती है, आधी उत्ते चली जाती है, बाकी आपके रेडिएटर को जाकर लगती है। जब ये लगी होती है तो सारी की सारी जो हवा होती है सीधी जाके आपके रेडिएटर को लगती है, जिसकी वजह से आपके रेडिएटर की कूलिंग के अंदर जी थोड़ा बता 19-20 का फर्क आता ही आता है। आपका जो रेडिएटर होता है वो जी फुल टाइम ठंडा ठंडा कूल कूल होता है। पर दोनों की दोनों हमने चीजें रख के दिखा भी दी और उनके फायदे फूदे भी बता दिया। अगर आपको भी अपनी गाड़ी के लिए इस तरह करके 24 कैरेट फेक गोल्ड के अंदर इस तरह की प्लेटें शेटें बनवानी है तो आप हमारे फ्रेंड शहर किंग फ्रॉम 4K ग्रास रिव्यू कर सकते हैं और अपनी गाड़ी के लिए ऐसे जो मैन किस्म की चीज़ें बनवा सकते हैं। ये कस्टम मेड के अंदर आप कोई भी यहाँ पे चीज़ लिखवा सकते हैं, क्यूट बट लिखवा सकते हैं, गमगीन शाह लिखवा सकते हैं, जमाना जाली लिखवा सकते हैं, आई लव आयशा लिखवा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप लिखवा सकते हैं। लेकिन ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप विजिट करें sharking.pk। अल्लाह हाफिज। ये हम मेक्सिको सिटी रोड्स के ऊपर मदनी तैयार की जी टेस्टिंग मेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जी मेरे शहर किंग यहाँ पे मौजूद है। अब जी मैंने शहरी भाई को कहा कि भाई मैं कभी तेज गाड़ी नहीं चलाई, प्लीज मुझे गाड़ी चलाने का मौका दें। शहरी भाई प्लीज चला ले यार, आई बैग यू भाई प्लीज आजो आजो। ओके अब जी आपको जरा मैं मदनी तियारा पका के चेक कराता हूँ। आपको मैं पहले बता दूं मैं कभी तेज गाड़ी नहीं चलाई, तो कोई शिफ्ट मिस शिफ्ट हो जाए तो मैंने इग्नोर करना, ठीक है जी। ऐ जरा अंदर बैठ के आपको मदनी तियारे के फ्रेश मंडे चेक कराता हूँ। दोस्त आज असली टेस्टिंग मेस्टिंग होने रही है मदनी तियारे की। लॉन्स हम नहीं चुकेंगे, हम रोज से ही चुकेंगे हल्का सा, क्योंकि मैं नहीं चाहता गोटा छोटा बाहर आ जाए। और ये हम पहुंच गए अपने फ्रेंड मेटल केयर पाउडर कोटिंग वालों के पास। और यहाँ पे हम क्या करने हैं, तो हमने इनसे फ्रेश पाउडर कोट करवाया मदनी तियारे का टापा। टापा आपको चेक करूं तो ये चेक करें जी फ्रेश, हमने व्रिंकल रेड के अंदर अपना पूरे का पूरा जो टापा है उसको हमने पाउडर कोट करवाया। फिनिशिंग आपको चेक करवाऊं काम की तो ये चेक करें जी, फुल टाइम गोरा डायल रिजल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भाई साहब किसी गोरे ने पाउडर कोट शोट किया हुआ है। बहुत ही मजेदार किस्म की फिनिशिंग आई हुई है। अब ये जो पाउडर कोटिंग होती है ये हीट प्रूफ भी होती है और साथ में स्क्रैच प्रूफ भी होती है। अगर खुदा ना खास्ता इसके ऊपर किसी किस्म का स्क्रैच वगैरह लग भी जाता है तो जब आपकी गाड़ी का जो टापा छापा हीट शीट होगा तो वो खुद ब खुद सेल्फ रिकवर कर जाता है। आप ये अपने टापे के ऊपर करवा सकते हैं, किसी भी मेटल वाली चीज के ऊपर इसको करवा सकते हैं और अपनी गाड़ी का जो इंजन बे उसको सोना सोना बनवा सकते हैं। आप प्रोजेक्ट जनाजे के लिए मैंने एक रंग पसंद किया है तो ये रंग आप चेक करें, इसको हम कहते हैं जी उस्ताद जी कहड़ा रंग सी कॉफी ब्राउन है। ये दूर से देखने में वैसे काला काला लग रहा था जैसे ब्लैक रोम, लेकिन ये असल में जी कॉफी ब्राउन है। मुझे ये पसंद आया, ये मैं सोच रहा हूँ कि प्रोजेक्ट जनाजे के टापे के लिए और स्टड बार के लिए करवा लूँ। लेकिन उस्ताद जी ने हमें एक बहुत ही हैवी वैरायटी चेक करवाई। अब जी मेरा दिल बीच में डामाडोल हो रहा है। अब इसको आप दूर से देखेंगे तो आपको जी चीटा रंग नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जी बिग वैरायटी आपको चेक करवाता हूं। उस्ताद जी लटा बंद कर दो, ये देखें जी ये रात के टाइम आपका जी पेंट इतना जगमग चमकेगा। ये उस्ताद जी ने हमें यहाँ पे बिग वैरायटी दिखाई है। अब आपका भरा जी बीच में डामाडोल हो रहा है कि कॉफी ब्राउन करवाएं या फिर ये बिग वैरायटी वाला करवाएं। उस्ताद जी पीछे कर जरा ये चेक करें जी, वेरी नाइस। इनके पास बहुत सारी पैसा ह्यूज वैरायटी मौजूद है जी पाउडर कोटिंग की। ये देखो जी बाबा सारे रंग फॉर यू। तो अगर आपने भी अपनी गाड़ी किसी पार्ट शार्ट के मेटल पार्ट शार्ट को आपने भाई साहब क्रोम श्रोम करवाना है या फिर आपने उसको पाउडर कोटिंग शूटिंग करवानी है तो आप हमारे फ्रेंड कासिम भाई से रिव्यू कर सकते हैं, जो इनकी डिटेल्स वगैरह होंगी सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगी। ये चेक करो जी जफर सफारी दी गोल्ड प्लेटेड टेबल फॉर यू। उस्ताद जी गड्डी फंस गई है, ये सारे आपस में लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है पीछे निकालो, कोई कह रहा है आगे निकालो। गड्डी ने करिए बकरा झूले लेने लगा हुआ है। प्रोजेक्ट जनाजे का जितना भी वायरिंग शायरिंग वाला काम था वो हमने हल्की आंच पे करवा दिया। अब हल्की आंच का क्या मतलब है तो आपको मैं बताता हूँ। अभी हमने इंजन बे की वायरिंग का क्या काम करवाया, तो सबसे पहले जो हमारा सीधी सीधी तारे लगा के हमारा जो पंखा चालू होता था वो हमने खत्म करवा के उसको स्विच के ऊपर करवा दिया। अब जब हम स्विच चलाते हैं तो हमारा जो पंखा है वो जी 240 की स्पीड पर चलने लग जाता है। उसके अलावा जो हमारा सल्फ वाला मसला था कि सल्फ जो हमारा कुएं में चला जाता था वो भी हमने सारा का सारा सेटमेंट करवा दिया। अब इंटीरियर का आपको गेड़ा करवाऊँ तो इंटीरियर के अंदर जो वायरिंग का काम था वो हमने क्या क्या करवाया, तो सबसे पहले ये चेक करो जी पार्टी रबर फॉर यूज़ का भी हल निकालते हैं, डोंट टेक टेंशन स्मोक बेंसन। इन्हें उधर मैं इतने करके इधर बीच बैठे हैं एंजी एंजी पाथ के ऊपर भाई साहब लगाएंगे हम जी फ्रेश एल्फी और जी यहाँ पे जी टोटल जेन्युइन काम हो जाएगा। अब अंदर जो भी वायरिंग का गनशन था उसको हमने सही सुई कोई नहीं किया, सिर्फ हमने कारपेट किया। आगे सारी जो टूटियाँ छुटियाँ बनी थी वायरिंग शायरिंग की जो गंद मंद बना हुआ था वो हमने फिलहाल अभी वक्ती तौर पर कारपेट के पीछे कर दिया। क्यों कर दिया तो वो आपको मैं बाहर बताता हूँ। लेकिन
जो हमारा आग लगने वाला मसला था ना कि जैसे हम हाई बीम ऑन करते थे हमारी गाड़ियां जी फ्रेश आग शाग लग जाती, स्मोक किट चल जाती थी, वो वाला मसला हमने हल करवा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमने कोई 20 से 30 मिनट इसकी हाई बीम चला के रखी है और फिलहाल अभी तक इसके अंदर किसी का मसला वगैरह नहीं आया। अब ये मैंने काम आधे क्यों करवाए हैं तो इसके पीछे की वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका प्रेस जब भी आता है जी ऊपर से आता है, थल्ले से कभी नहीं आता। तो मैंने फैसला कर लिया है कि जैसे हमारी हबशी ब्लैक के अंदर टक वायरिंग हुई हुई है, हम प्रोजेक्ट जनाजे के अंदर भी भाई साहब टक वायरिंग करवाएंगे। सबसे पहले जी बैटरी चुके हमने इसकी छूट देनी है डिग्गी के अंदर, विच जितने भी इंजन की वायरिंग शेयरिंग है उसका जी सारी गैप से जिन्हें डैशबोर्ड के नीचे वाली वायरिंग होगी सारा डैशबोर्ड खोलेंगे हम, जिन भी वायरिंग शेयरिंग होगी उसको सारा क्लियर शेयर करेंगे और जो हमारी गाड़ी का वायरिंग शेयरिंग वाला काम होगा उसको जी हम टोटल 10/10% करके रख देंगे। वायरिंग शेयरिंग वाला काम है वो सारा का सारा ट्यूजडे के दिन होना है, आज है सैटरडे के दिन, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम है बीच के अंदर, उस बीच वाले टाइम के अंदर हम जाकर प्रोजेक्ट जनाजे को फ्रेश नवे रिम्स सुखवा देंगे, उसके बाद गाड़ी भी फुल टाइम लश पश करके हम इलेक्ट्रीशियन के पास छोड़ाएंगे। इलेक्ट्रीशियन ने मैं कहा कि तकरीबन 2 से 3 दिन लगेंगे इसकी वायरिंग शेयरिंग सारा काम होने के अंदर और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो इलेक्ट्रीशियन है वो जी हमारी प्रोजेक्ट जनाजे की जो वायरिंग शेयरिंग है उसको जी फुल टाइम टैच ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।